हेलो मेरे प्यारे व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे एफएम ट्रांसमीटर सर्किट का थर्ड पार्ट। पार्ट वन और पार्ट टू में हम ऑसिलेटर सर्किट के बारे में बताए थे, यानी एलसी ऑसिलेटर और उसके बाद वेरिकैप डायोड लगा के जो ऑसिलेटर होता है। एलसी ऑसिलेटर तो बिल्कुल ही नहीं करना है, उसमें कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं आता है, लेकिन वेरिकैप डायोड में मच बेटर कंपेयर टू एलसी, मच बेटर। यानी जो फ्रीक्वेंसी का प्रॉब्लम में बताया था, इसमें ऑलमोस्ट नहीं रहता है जो वेरिकैप डायोड में ऑसिलेटर बनाता है। आज के लेकिन बात करेंगे हम पीएलएल के बारे में, फेज्ड लॉक्ड लूप सर्किट क्या है और उसका फायदा क्या है और कितने तरह का पीएलएल होता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो अभी चलो चलते हैं पीएलएल सर्किट, फेज्ड लॉक्ड लूप सर्किट बेस्ड एफएम ट्रांसमीटर। आप जब इंटरनेट में जाके सर्च करोगे पीएलएल बेस्ड एफएम ट्रांसमीटर, आप ऐसे वाला आपको ऐसे ही नजर आएंगे। ये जितने सारे मॉड्यूल यहाँ देखते हैं, ये आईसी नहीं, जितने सारे मॉड्यूल देखते हैं, ये है, ये है, ये है, ये सारे एक पर्टिकुलर पीएलएल आईसी यूज करते हैं। उसको उसका नंबर है 1417, मतलब उसका नंबर है BH1417। ये BH1417 वाला बहुत ही चीप है, तो इसीलिए बहुत सारे मॉड्यूल जो है उसको यूज करते हैं। तो उसके बाद हम देखते हैं सर्किट, ये सर्किट भी सेम BH1417 में है, ये भी 1417, ये सब 40, ये भी 1417। आप बहुत सारे सर्किट आप देखेंगे 1417, लेकिन ये आईसी आजकल मिलना थोड़ा दिक्कत है, क्योंकि जो चिप है वो चिप आजकल अवेलेबिलिटी का प्रॉब्लम होता है, तो ये मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसीलिए सारे आप जो रेट देखोगे इधर, सब रेट बढ़ गया है। ये रेट जो ये पीएलएल चिप यूज़ करता है BH1417, ये भी ये यूज़ करता है 1417, ये भी यूज़ करता है 1417, उसका रेट बहुत बढ़ गया। जो ये चीज़ जो पहले 400-500 रुपये में मिलता था, आजकल 1200 से 1500 तक रेट में चलता है। तो आपको उसके हिसाब से डिसाइड करना है क्या लेना है। बट पर इसके जो परफॉर्मेंस, मतलब ये जो आईसी यूज़ करके ये जो मॉड्यूल है, ये मॉड्यूल मिलता है, ये फार बेटर देन आपका एलसी बेस्ड और आपका वेरिकैप डायोड बेस्ड। तो अब अगर हम सर्किट में देखेंगे, तो ये रहा सब सर्किट, इंटरनेट में मिलता है इसको। अगर आपको ये आईसी मिलता है, इसको ट्राई करने से बहुत फायदा रहता है और आपको अच्छा रिजल्ट मिलता है। यह रहा पीएलएल का हिसाब। यह है एक एफएम ट्रांसमीटर आईसीज पीएलएल बेस्ड है। अब ये देखो, यह है 1415 1416 1417, वो सब सेम रेंज में है। इसका अगर रेटिंग हम देंगे, हम तो इसको यूज करके देखे हैं, वो 5 पॉइंट मिलता है उसको 10 पॉइंट से, और बाकी ये सब है टेक्निकल पैरामीटर। और इसका एक दूसरा है वो QN8027, वो है सबसे वर्स्ट आईसी, मतलब इसका जो रेटिंग है एक नंबर है। ये इसको कभी अगर इसमें कोई एफएम ट्रांसमीटर बनता है, आप उसका क्वालिटी इतना ख़राब होता है आप सुन नहीं पाओगे। सबसे बेस्ट है QN8007, इसको मार्किंग हम दिया है 10 to 10, ये सबसे बेस्ट आईसी है। जो एफएम ट्रांसमीटर ये आईसी लेके होता है, उसमें बढ़िया परफॉर्मेंस देता है। उसके बाद आते हैं केटी सीरीज, KT0803 एल और के, ये भी बहुत घटिया आईसी है और इसका जो रेटिंग हम 2/10 दिए हैं और बहुत ही ख़राब है। उसके बाद आए QN8066, ये 807 का जो है उसके आसपास ही है, इसको 10 मार्किंग दिए हैं, इसको 9 मार्किंग दिए हैं। ये जो यूज़ करते हैं आइदर ये तो थोड़ा कॉस्टली है, और ये जो है ये थोड़ा लेस कॉस्टली है, और ये जो है उसमें सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस मिलता है। इन पहले बोला केटी का कोई सीरीज ले लो, उसका परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब है। जो एसआई का जो है वो बहुत ही ख़राब है, वो आईसी देखने में ऐसे लगते हैं, कोई 18 पिन है, कोई 16 पिन है, कोई 12 पिन है, वैसे करके है। और 1414 जो है, 1414 या 1415 1416 1417 चलेगा, जो हम मॉड्यूल में दिखाए थे वो यूज होता है, वो चलेगा, वो उतना ख़राब नहीं है। चलो एक आईसी का अभी थोड़ा उसका डेटा शीट देखते हैं।
वो तो थोड़ा टेक्निकल हो जाएगा, बट फिर भी आपको दिखाना जरूरी है, क्योंकि मैं जो बताया है केटी सीरीज जो 0803 है वो सबसे वर्स्ट आईसी है, बट उसका जो डॉक्यूमेंट आप देखोगे वो बढ़िया सा डॉक्यूमेंट देते हैं, लेकिन उसका परफॉर्मेंस जो है बहुत ही ख़राब है। और इसका ये है उसका जो स्पेसिफिकेशंस, और इसका अगर आप देखोगे जो डेटा शीट में ये सब है उसका डेटा शीट, डेटा शीट तो हर एक को पढ़ने की इतना नॉलेज नहीं है, बट हम जो देखे हैं डेटा शीट में ये बिल्कुल ही अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगा इसका, अगर डेटा शीट आप ऐसे पढ़ के समझ पाओगे तो। ये रहा पैकेज का जो कि पिन कौन से पिन क्या क्या काम करता है। इसमें फ़ायदा क्या है, ये SDA SCL ये है I2C, हमारा एक प्रोटोकॉल रहता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, उसको बोलते हैं I2C प्रोटोकॉल। वो I2C प्रोटोकॉल है इसीलिए इसको आप ऑर्डिनो में भी यूज़ कर सकते हैं, ऑर्डिनो से आप सेटिंग करके फ्रिक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, तो ये है आप लेके उसको बना सकते हैं। यह है इसका जो पिन कॉन्फ़िगरेशन, 16 पिन का आईसी है, SMD में जा जा करके SMD में मिलता है, और ये नॉर्मल शेप साइज में मिलता नहीं है। तो ये मॉड्यूल अच्छा है, इसमें पीएलएल आईसी यूज होता 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 है। और ये एक है, इसको कभी भी मत खरीदो। आप जिसका यूएसबी पोर्ट इस तरफ है और माइक्रोफोन एंड ऑक्स इनपुट इस तरफ है, ये बिल्कुल बिल्कुल ही घटिया से घटिया क्वालिटी का है, बिल्कुल काम ही नहीं करता है। ये मॉड्यूल का परफॉर्मेंस जो आप पिक्चर में आप देखते हैं, इसका बढ़िया परफॉर्मेंस है, और इसका रेट भी आप देखो ना, 3,183 रुपीज़, क्योंकि वो बेस्ट क्वालिटी है, इसका रेट इतना ज़्यादा है, और ज़्यादा करके वो यू बाई से मिलता है, इससे फॉरेन कंपनी, जबकि इसको ubuy.co.in है, मैं फेसबुक में काफ़ी कमेंट दिया हूँ उसका, ये बहुत ही एक्स्ट्रा चार्ज करता है। आपको यहाँ दिखाता है 3,083, बट जब आप डिलीवरी लोगे उस आपके उसके ऊपर 50% इंपोर्ट ड्यूटी लगा देगा, मतलब आप एक मॉड्यूल खाली सिंपल एक मॉड्यूल 200-300 मीटर FM ट्रांसमीटर कवर करेगा, उसमें आपको इतना पैसा पड़ता है। उसका डिफरेंस बिटवीन जो पहले हम देखे थे और इसको, इसका जो USB माइक्रोफोन और ऑक्स इनपुट एक ही साइड में है, और वो जो देखे थे वो एक साइड में माइक्रोफोन, एक साइड में USB है, दूसरे साइड में माइक्रोफोन एंड USB है। आप इसीलिए ये ज्ञान जानकारी दे रहा हूँ क्योंकि हम बहुत सारे सर्किट और बहुत सारे मॉड्यूल टेस्ट करके ये सब नतीजे में पहुँचे हैं, एंड हम भी इसको काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं, इसके ऊपर डेवलपमेंट कर रहे हैं, आपको इसीलिए ये जानकारी दे रहा हूँ। तो आज के लिए ये पीएलएल आईसी के बारे में इतना ही है, मैं तो ज़्यादा टेक्निकल बात कर नहीं पाता हूँ क्योंकि सारे पीपल जो हैं हमको सुनते हैं वो टेक्निकल ज़्यादा बहुत कुछ समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हम ज़्यादा टेक्निकल नहीं बताते हैं। यह रहा सर्किट का थर्ड पार्ट, उसके बाद हम जाएंगे किट्स के ऊपर, मतलब किट्स क्या मिलता है। ये भी एक किट है, मतलब ये बना बना है, ये मॉड्यूल है, इसको किट भी समझ सकते हो, लेकिन ये मॉड्यूल है। किट के बारे में हम अगले सीरीज पार्ट में हम किट के बारे में बात करें। अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल बटन भी दबाइए ताकि आपको जानकारी सही टाइम पे मिल सके। थैंक यू।